जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये जो काम रहेगा दुबई के रिगार्डिंग रहेगा, और अगर आप जो दुबई में हैं या दुबई के रिगार्डिंग कोई जॉब तलाश कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी बंदा अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है या कहीं भी, या आप जॉब सर्च कर रहे हैं कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो कि घर से बाहर निकले और सपना होता है कि मैं विदेश जाकर पैसा कमाऊँ, और समझते हैं कि बहुत इजी पैसा मिल जाएगा विदेश जाने के बाद, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ड्यूटी करेंगे बात ख़त्म। और वो ज़्यादातर क्या होता है, एक सपना होता है फ्लाइट में बैठ जाऊँ, उसके बाद में नो टेंशन, कोई काम करें नहीं करें उसका नहीं सोचता बंदा। लेकिन सिर्फ ये ख्याल जो आते हैं कि भाई उसका लड़का काम कर रहा है तो तू भी जा, ये जा, वो भी जा, सारे जब देखते हैं दूसरों को तभी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि भाई वो बंदा गया था तो उसको भी प्रॉब्लम आई थी शुरू में, तो हमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब बंदा जाता है तो माइंड में आप डालिएगा कि शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, इन्वायरमेंट रहा, और जो आप अपने इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में पहुँचेंगे तो फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात, शुरू में मन भी नहीं लगेगा क्योंकि घर वालों को छोड़ के जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लगभग 1-2 महीना लैंग्वेज वगैरह की परेशानी आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कोई सी भी कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आप घर नहीं छोड़ सकते, अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विदेश ना जाएँ। अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं, घर में आप 10-5 हज़ार जो भी कमा रहे हैं वो आपके लिए यहीं पर अच्छा है, बाहर जाने के बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, आप परेशान हों, घर वाले को परेशान करें। तो आज जो हम बात करेंगे वो दुबई की रिगार्डिंग बात करेंगे, और कई सारी कैटेगरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो पूरा वीडियो देखें और मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से अप्लाई करना, क्या क्या है और कितने दिन में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बताएंगे काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और इसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो ये एक विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आपको यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाना पड़ेगा और आप वहाँ पे जाकर एम्प्लॉयमेंट लेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो पूरी चीज़ पहले देख लें, उसके बाद में अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकता है, डायरेक्टली ऑफिस आए। और ये जो काम है, किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 100% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ से ये काम होने वाला है आपका। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अल्लाह करम से। तो आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो हमें चाहिए वो चाहिए हेल्पर, मतलब हेल्पर, मैकेनिकल हेल्पर बंदा चाहिए, यानी कि आपको एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ये जितने भी टेक्निकल जो बंदे होते हैं इनके हाथ के नीचे आपको काम करना रहेगा। और इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो रहेगी 9 से 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर आपकी जो आप जाएंगे वो 9 से 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और हेल्पर, टोटल हेल्पर का काम है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो किसी भी कैटेगरी में कहीं भी आपको वहाँ पे लगा दिया जाएगा और आप हेल्पर ही कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी, ज़्यादातर जो सैलरी रहती है वो 1000 दिरहम रहती है, खाना आपका उसमें खुद का रहेगा, यानी कि 800-200 रहती है, और किसी किसी को 900-200 मिल जाती है, यानी कि 1100 दिरहम मिल जाती है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ 1000 दिरहम आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप इसमें जाने के लिए एग्री हैं तभी हमें कॉन्टैक्ट करें। और दूसरी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल हेल्पर मैंने आपको बतला दिया, क्लीनर का भी मिल जाएगा आपको, और क्लीनर में भी आपकी यही सैलरी रहेगी, मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी 1000 दिरहम रहेगी, इसमें भी आपका ज़्यादा सैलरी नहीं हो पाएगी। और रही ओवर टाइम की बात, तो जब विजिट टू एम्प्लॉयमेंट तो डिपेंड कंपनी के ऊपर करता है कि वो ओवर टाइम आपको देगी कि नहीं देगी, लेकिन आपका जो बेसिक सैलरी है वो आप ये मान के चलिए जितना मैंने आपको बताया है, वो आपके नसीब के ऊपर बात है कि भाई वहाँ पे जाम है और वहाँ पे जाने के बाद में आपका सैलरी अच्छा हो जाए, और वहाँ पे जाने के बाद में जब आपको ओवर टाइम भी मिल जाए सारी चीज़ हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो हमें कॉन्टेक्ट करें, और अदरवाइज इन्फॉर्मेशन जो भी अपने रिलेटेड या किसी भी काम के रिलेटेड लेना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें।
लेकिन मेरी प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे जो बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं सिर्फ हाय लिखा, उसके बाद में डायरेक्टली जब हो जाता आधा घंटा पौन घंटा हाय देख लिया मैंने उसका मैसेज, उसके बाद में कुछ लिखा ही नहीं, तो जब बाद में रिस्पॉन्स सामने से आता सर जवाब नहीं दे रहे। अब बताइए हाय का क्या जवाब दिया जाए, बंदा सामने से कुछ पूछे तभी उसको जवाब दिया जाए, अगर इस तरह से आप हाय हाय का जवाब देंगे तो आप खाली जवाब देने में रह जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप सिर्फ डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर रखें और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। और ये जो काम है बहुत अच्छा है, अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो वही विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा काम, इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में वैकेंसी थी, और जो बंदे पहले से दुबई के अंदर रह रहे हैं अगर वो वहाँ पे ही अपना एम्प्लॉयमेंट कराना चाहते हैं, उनके वीज़ा में अभी लगभग 20 से 25 दिन बाकी हैं, तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनका भी काम हो जाएगा और उनका भी जो है एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो इतनी सैलरी पे एग्री हैं तब उनका खर्चा आएगा तकरीबन 2000 दिरहम के करीब खर्चा आएगा, तो उस चीज़ का वो भी ध्यान रखें कि खर्चा तो ज़रूर आपको देना पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट कराना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ से भी आप अपने पैसे से जाना चाहते हैं तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में, अगर हमारे थ्रू नहीं आप अगर खाली अपने पैसे से वीज़ा निकालिएगा, टिकट निकालिए, पहुँच जाइए वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा आपका। और एक चीज़ का ना यहाँ रखिए, वहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे पहले से वहाँ पे हालत ख़राब है, अगर आप कोई बोलता है इतनी सैलरी ज़्यादा सैलरी आपको बताता तो प्लीज़ उस पर ना जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सैलरी रहती है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के जो मार्केट में ज़्यादातर जो सैलरी है वो 1000 से 1200 के बीच में ही है, इससे ज़्यादा सैलरी बहुत मुश्किल से बंदों को मिल पा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें, और कमेंट में अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो ज़रूर बताएं हमें, और जो भी है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।